हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज प्रकाश गलांडे फ्रॉम बीएड केयर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं 5 ईयर्स लॉ सीईटी के लिए स्ट्रेटेजी प्लान किस तरह से बनाएं और किस तरह से टॉप 5 कॉलेजेस में जाने के लिए अच्छा स्कोर करना है हमें, और उस अच्छे स्कोर के लिए हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए 5 ईयर्स लॉ सीईटी को प्रिपेयर करने के लिए। हियर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी टू हेल्प यू प्रिपेयर इफेक्टिवली फॉर द 5 ईयर लॉ MHCET। ठीक है फ्रेंड्स, चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम, द फर्स्ट पॉइंट सेज अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, फेमिलियराइज योर सेल्फ विद एग्जाम पैटर्न इंक्लूडिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चन, सेक्शन, मार्किंग स्कीम एंड ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। दिस विल हेल्प यू प्लान योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। एग्जाम पैटर्न को समझो, उसमें कितने सेक्शंस हैं, हर सेक्शन के लिए कितने मार्क्स हैं, हर क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स हैं, नेगेटिव मार्किंग है क्या, तो सवाल यह है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं, ठीक है ना। दिस विल हेल्प यू प्लान योर प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली। सेकेंड पॉइंट इज क्रिएट अ स्टडी प्लान। एग्जाम पैटर्न समझ लो, दूसरा पॉइंट बोल रहा है क्रिएट अ स्टडी प्लान, डेवलप अ स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान कवरिंग ऑल सब्जेक्ट्स एंड टॉपिक्स इंक्लूडेड इन द MHCET सिलेबस। सारे सब्जेक्ट्स के लिए एक परफेक्ट प्लान बना लो। एलोकेट सफिशियंट टाइम टू ईच सब्जेक्ट बेस्ड ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। जो सब्जेक्ट, जाहिर सी बात है कि जो सब्जेक्ट वीक है उसको थोड़ा ज्यादा समय देना चाहिए, जो स्ट्रांग है उसके लिए थोड़ा कंपैरेटिवली कम समय देंगे तो भी चलेगा। इस तरह से एक स्टडी प्लान अपने लिए बना लीजिए। कवर द सिलेबस, ऑब्टेन अ डिटेल्ड सिलेबस फ्रॉम द ऑफिशियल MHCET वेबसाइट और रिलायबल स्टडी मटेरियल्स। इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके पूरा सिलेबस अच्छी तरह से जांच लो, परख लो, देख लो। इंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल टॉपिक्स इंक्लूडिंग लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर्स, ये हो गया सिलेबस। बाद में प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर्स, सॉल्व प्रीवियस ईयर्स MHCET क्वेश्चन पेपर्स टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, क्वेश्चन टाइप्स एंड डिफिकल्टी लेवल। दिस विल ऑल्सो हेल्प यू असेस योर प्रिपरेशन एंड आइडेंटिफाई एरियाज दैट रिक्वायर इंप्रूवमेंट। एक बात समझ लो, यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर्स MHCET क्वेश्चन पेपर्स बोल रहे हैं, वास्तव में लॉ सीटी के प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स अवेलेबल नहीं होते, लेकिन हमारे पास बीएड कर में बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, क्योंकि ये प्रैक्टिस टेस्ट ही, ये क्वेश्चन पेपर्स ही आपका स्कोर बढ़ाने के लिए हेल्प करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, मॉक टेस्ट। फिर मॉक टेस्ट की बात आ गई। मॉक टेस्ट रेगुलर, टेक रेगुलर मॉक टेस्ट टू सिम्युलेट द एग्जाम एनवायरमेंट एंड इंप्रूव टाइम मैनेजमेंट स्किल्स। एनालाइज योर परफॉर्मेंस आफ्टर ईच मॉक टेस्ट टू आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड वर्क ऑन देम। मॉक टेस्ट ले लो। मॉक टेस्ट अपीयर करने के बाद आपको उस मॉक टेस्ट का एक माइक्रो एनालिसिस करना है कि इसमें मैंने कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए और उनमें से कितने आंसर्स मेरे गलत हो गए, कितने रॉन्ग हो गए, और जो रॉन्ग हुए कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड थे, जिस सब्जेक्ट में आंसर्स रॉन्ग हुए वो उस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस रॉन्ग हुए। अच्छा, रॉन्ग हुए आंसर्स मेरे तो क्यों हुए, क्या मेरा उस टॉपिक से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर नहीं है, या फिर कंसेप्ट क्लियर है लेकिन कोई स्पॉन्टेनियस एरर मुझसे हुआ है। ये सारा माइक्रो एनालिसिस आपको करना है, सो दैट एवरी मॉक टेस्ट के बाद आपका स्कोर बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। समझ आ रहे हैं फ्रेंड्स? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज फोकस ऑन लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। सिंस द लॉ एंट्रेंस एग्जाम प्राइमरीली टेस्ट योर लीगल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग स्किल्स, डेडिकेट एम्पल टाइम टू दिस सेक्शन, प्रैक्टिस सॉल्विंग लीगल रीजनिंग क्वेश्चंस एंड फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द लीगल कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड केसेस। प्रिंसिपल एंड केस वाला क्वेश्चंस बहुत सी बार पूछा जाता है और इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब प्रिंसिपल आपको मालूम है, लीगल कंसेप्ट मालूम है, उसको अप्लाई कैसे करें, उसके लिए केस दिया, केस स्टडी दिया रहता है, मतलब केस दिया रहता है और उसका फिर नतीजा क्या होना चाहिए, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे आस्क। पर इसके ऊपर आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से फोकस करके इसको प्रिपेयर करना है दोस्तों, ठीक है। स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, स्टे अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, कीप योरसेल्फ अपडेटेड विद द
लेटेस्ट करंट अफेयर्स स्पेशली लीगल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स बाय रीडिंग न्यूज़पेपर्स मैगजीन्स एंड ऑनलाइन रिसोर्सेज रेगुलरली। हमारा भी एडुकेयर का यूट्यूब चैनल पे करंट अफेयर्स के वीडियोस रेगुलरली एंड कंसिस्टेंटली आते रहते हैं, उनको आप वॉच कर सकते हैं दोस्तों। इम्प्रूव इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, वर्क ऑन एनहांसिंग योर इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स इंक्लूडिंग वोकैबुलरी ग्रामर कॉम्प्रिहेंशन एंड रीडिंग एबिलिटी राइटिंग एबिलिटी। रीडिंग बुक्स न्यूज़पेपर्स एंड प्रैक्टिसिंग इंग्लिश लैंग्वेज एक्सरसाइज कैन बी हेल्पफुल। द हिंदू का एडिटोरियल आर्टिकल आपको पढ़ते रहना है, वोकैब लिस्ट बढ़ाते रहना है, आपका इंटरप्रिटेशन स्किल आपको बढ़ाना है। ठीक है फ्रेंड्स, यस। ब्रश अप ऑन मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग, एलोकेट टाइम टू प्रैक्टिस मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स एंड लॉजिकल रीजनिंग एक्सरसाइजेस टू स्ट्रेंथन योर क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल स्किल्स। तो मैथ्स पे भी आपको फोकस करना है, उस पे भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो फ्रेंड्स। देन रिवीजन एंड कंसोलिडेशन, रिवीजन करना, जितना भी आपने पढ़ाई किया उसका रिवीजन जरूर करना है दोस्तों। ठीक है, रिवीजन एंड कंसोलिडेशन, रेगुलरली रिवाइज एंड कंसोलिडेट द टॉपिक्स यू हैव स्टडीड एंड रीइंफोर्स योर अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी रिटेंशन। रिवीजन बार बार करते रहना है, रिवीजन करने से क्या होगा, जो भी आप पढ़ते हो ना वो आपके मेमोरी में सेव होगा। दोस्तों याद रखना, हम लोग पीसी पे लैपटॉप पे कुछ भी काम करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, आप एक्सेल शीट बनाते हो, वर्ड डॉक्यूमेंट बनाते हो, कुछ भी करते हो, तो उस डॉक्यूमेंट को आप सेव करते हो ताकि वो हार्ड डिस्क में सेव हो जाए और अगली बार आप उसको रिट्राइव कर सको। यही बात है, आप पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद उसको सेव नहीं करते। सेव करना इज रिविजन, सेव करना इज कंसोलिडेशन एंड सेव करना इज रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन मतलब एक बार आपने एक पैसेज पढ़ लिया तो बुक बंद कर दो और आंख बंद करके याद करने की कोशिश करो आपने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। हो सकता है वो पॉइंट्स आपके कॉन्सिक्यूटिव मैनर में नहीं होंगे, आगे पीछे करके आएंगे, हो सकता है कुछ पॉइंट छूट जाएंगे, कुछ याद आएंगे, लेकिन यही एक तरीका है रिकैपिचुलेट करने का, अर्थात आपने जो पढ़ा हुआ है उसको याद रखने का, उसको सेव करने का ये तरीका है। रिवाइज करो, रिकैप्चुलेट करो, कंसोलिडेट करो। सीक गाइडेंस इफ नीडेड, अगर जरूरत है तो किसी का गाइडेंस ले लो, कोई मेंटर को पूछ लो। इफ यू एनकाउंटर डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग सर्टेन टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स, डोंट हेजिटेट टू सीक गाइडेंस फ्रॉम टीचर्स, मेंटर्स और ऑनलाइन रिसोर्सेस। ठीक है, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम। जहां पर भी जरूरत है किसी की भी हेल्प लेना, कोई बुरी बात नहीं है, हेल्प ले लो। स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, शांत रहो, अपना माइंड एकदम शांत रखो, चित्त में कोई वृत्तियां नहीं, कोई विचार नहीं, स्टे काम एंड कॉन्फिडेंट, मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड स्टे काम ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम के टाइम पे भी आपको एकदम शांत रहना। बिलीव इन योर प्रिपरेशन एंड अप्रोच द एग्जाम विद कॉन्फिडेंस। आपने खुद प्रिपरेशन किया है, उस प्रिपरेशन पे विश्वास रखो, एक तो खुद पे विश्वास रखो, फिर अपने प्रिपरेशन पे विश्वास रखो और शांति से एग्जाम दे दो, सब अच्छा होने वाला है ना, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दे दो। ठीक है फ्रेंड्स, रिमेंबर कंसिस्टेंट एफर्ट्स एंड डेडिकेशन आर की टू क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। कंसिस्टेंट एफर्ट, बात समझ में आ रही है, कंसिस्टेंट एफर्ट, लगातार लगातार बार 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 आपको एफर्ट्स डालना है, प्रैक्टिस करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, डेडिकेटेडली करना है, रिलीजियसली करना है, जो भी करना है दिल से करना है, आर की टू क्रैकिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड बेस्ट ऑफ लक विथ योर MHCET प्रिपरेशन। अगर आपको किसी भी प्रकार की डाउट्स या क्वेरीज या किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो आप बिना झिझक हमारे इन हेल्पलाइन नंबर्स पे फोन कर सकते हो, है ना। कॉन्टेक्ट सपोर्ट के लिए ये नंबर है 9702405371। डोंबिवली ब्रांच के लिए, हमारी तीन ब्रांचेस हैं, ऑफलाइन ब्रांचेस, डोंबिवली के लिए 9702405373, घाटकोपर के लिए 9702405374 एंड दादर के लिए 9702405375 एंड ऑनलाइन सपोर्ट के लिए 9702405379। ऑनलाइन मास्टर कॉन्टेक्ट नंबर, ऑनलाइन हेल्प के लिए आपको 8383818888 इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करना है, ऑफलाइन हेल्प के लिए आपको कॉन्टेक्ट करना है 9967422383। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने भी एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, करंट अफेयर्स रेगुलरली देखते रहो और अगर कुछ भी हेल्प चाहिए तो इनमें से किसी भी नंबर पे आप फोन कर सकते हो बेझिझक।
ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।